नमस्कार, मैं जयंती राव और आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पावन पर्व पर मैं उन शहीदों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और अगर आज वो नहीं होते तो आज ये दिन नहीं होता, इसलिए मैं तन मन धन से उनके ऊपर न्यौछावर हूँ कि जो उन्होंने किया, भूखे प्यासे रह करके अपने जीवन को बलिदान दे करके हम लोगों को आज़ाद कर दिया। जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया उनका नाम। हम लोग सरकार बना रहे हैं, परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बना रही है। उसका कारण है कि समाजवादियों ने जो काम किया है, जो पथ दिखाया है विकास का, भाईचारे का, उसी पे हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की जनता को यह बात का एहसास हो गया है कि समाजवादी ही वास्तव में सही विकल्प है, जो सही रास्ता भाईचारे का, विकास का दिखा रही है। और लोग जो गुमराह हो गए थे हिंदू मुसलमान के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर, अब उन लोगों को आभास हो गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो नज़रिया है, वो ठीक नहीं। आपका ये है कि बहुत लोग आ रहे हैं, मैं आने वाले तमाम सभी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस दल में लोग थे उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो लोग जिस दल में थे वो पार्टी सामाजिक ताने बाने पर खरी नहीं उतर रही है। इसलिए वो लोग अब जब संविधान खतरे में है और दलितों का, अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं मिल रहा है, एक उप मुख्यमंत्री को बैठने के लिए चेयर नहीं मिल रही है, टूल मिल रहा है, जैसे लगता है कि वो आदमी उप मुख्यमंत्री नहीं, कोई चपरासी जैसा उसका व्यवहार हो रहा है, तो जिनकी आत्मा जिंदा है वो लोग अब वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से भेदभाव है। हाँ, ऐसा पार्टी का एक आया है जिसमें शायद ममता बनर्जी जी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश जाएंगी, वर्चुअल रैली में भाग लेंगी, 8 तारीख को उनका जाने का शायद प्रोग्राम है। और हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिए थे पश्चिम बंगाल इकाई को कि लोकसभा में, विधानसभा में जितनी मेरी समाजवादियों की यहाँ पर हैसियत है, जितना मेरा संगठन है, उन लोगों को ये आदेश आया कि आप लोग को कहीं इलेक्शन नहीं लड़ना है, लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ पर जिस तरह से हो आप उनकी मदद करिए, चाहे कितना आपका क्षमता उस हिसाब से आप मदद करिए। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा की जया बच्चन जी, आदरणीय किरण नंदा जी, विकास यादव जी, निसार खान जी, तमाम हमारे समाजवादी के नेता आए विधानसभा में और तमाम जिलों में जा जा करके समाजवादियों को कहा कि आप लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाओ और भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट ताकतों को यहाँ से, पश्चिम बंगाल से हराओ। उसी कड़ी में हम लोगों ने तन से मन से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने समर्थन दिया। हाँ, जाने का उनका प्रोग्राम है, 8 तारीख को लखनऊ जाएंगी, वहाँ से अगर वर्चुअल रैली करेंगी, प्रेस वार्ता करेंगी और संदेश देगी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताया जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा करके दिल्ली का रास्ता साफ।